बंदा चले चौ जणिया।
ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ
प्यार नाखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मरना ये सच है, ये सच्ची गल है, जीना ये झूठ है। जो भी इस दुनिया ते आया है, भावे कोई दुनिया का राजा है, भावे कोई गरीब है, बारे बूढ़े धरने भैया सब हो जम लै जाइ रे। भावे कोई गरीब है, भावे कोई अमीर है, भावे कोई नौजवान है, भावे कोई बच्चा है, भावे कोई बुजुर्ग है, ये मौत किसी का लिहाज नहीं करती। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाणी कहती है ना, क्या जाने किव मरेंगे, कैसा मरना होए। सत्कार जो बीबी इंद्रजीत कौर जी साढ़े विचों सदा लई विछोड़ा दे के चले गए हन, अज उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने लई आए हाँ, ते इत्थे सानू कुछ सिक्ख्या भी मिलती है। की सिक्ख्या मिलती है? ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਸੇਵਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਈ ਆਹ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ। ਇਹ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ
दो सके भरा प्यो ने दोनों एक एक लख रुपया दिता। दो सके भरा प्यो ने दोनों एक एक लख रुपया दिता भी आ लो लख लख रुपया तो इनू जाके खर्चो ये बिजनेस करो ये होर कमाई करके लैके आओ। हुण दोनों पुत्रां ने लख लख रुपया पिता को लिया तो जाके कुछ ना कुछ बिजनेस किया ते एक ते लख दे नाल होर लख कमा के लियाया। प्यो ने शाबाश दिती गल ना लाया प्यार किया भई बड़ा लायक पुत्र है बड़ा चंगा किया है तू बड़ी चंगी गल है शाबाश दिती। ते दूजा पुत्र सी वह जिहड़ा लख दिता सी कमा के की लियाना सी वह भी गवा के आ गया। हुण पिता दुखी भी होंदा है झिड़कदा भी है तू नलायक है तू नलायक है जिहड़े तैनू कहा सी इहदे नाल बिजनेस करी होर कमा के लियाई तू जिहड़े पल्ले सी उह वी गवा ले आ। ते याद रखना जदों परमात्मा ने सानू दुनिया ते भेजिया है ना ते सानू भी धन दे के भेजिया है। किहड़ा धन सवासा रूपी धन दे के भेजिया है आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इह सवासा रूपी धन इन्ना अमोलक है जिहदी कोई कीमत नहीं। दुनिया का सारा धन भी इकट्ठा करके एक सवास भी आपां मुल नहीं लै सकते एक सवास भी आपां मुल नहीं लै सकते इन्ना अमोलक है जीवन। रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले। कहिंदे तेरा जन्म बड़ा अमोलक है एक सवास की भी तू कीमत नहीं दे सकता। रैण तेरी सौ के गुजर गई रात पई ना सौ के गुजर गई दिन चढ़िया खा पी के काम कार विच लंघ गया तो फिर नाम कदों जपया। जिस परमात्मा की तू बंदगी करनी सी जिस परमात्मा ने तेनू ये शरीर दिता ये श्वास दिते इनिया दातां दित्तियां जिहदी गिणती कोई नहीं उहदी प्राप्ति लई ते तू हले कुछ कीता ही नहीं आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। याद रख तू अज तक परमात्मा कोलों जो मंगिया तेनू मिलिया है ना मिलिया है ना ते जे तू नाम दी दात मंग लैंदा आखो सतनाम श्री ते ओह वी तेरी झोली विच पै जाणा सी। मंगता सही मंगण दी जाच होवे गुरु ते झोली भर लग्या टाइम नहीं लाउंदे तेरी झोली विच नाम दी खैर भी पाणगे। ये नहीं भी परिवार छड के ते सिमरन करो बाणी पढ़ो बंदगी करो परिवार विच रह के परिवार भी पालना है काम कार भी करने ने पर परमात्मा की बंदगी नहीं छड़नी परमात्मा का नाम जपना नहीं छड़ना परमात्मा का सिमरन करना नहीं छड़ना। तो वो दो पुत्र एक तो लख रुपया कमा के होर लियाया तो प्यो ने शाबाश दिती दूसरा जिहड़ा लख सीगा वह भी पल्यों गवाया प्यो ने बड़ा गुस्से हुए झिड़किया कहन लगे तू नलायक है। ते जदों असी स्वासा रूपी इन्ना अमोलक धन गवा के व्यर्थ गवा के चले जावांगे निरंकार कोल की मुख लैके जावांगे आखो सतनाम श्री कहणगे ना साडे गुरु जी तू नलायक है तेनू स्वासा रूपी धन दिता सी वी इहनू खर्च करी दुनिया ते जाके इस स्वासा रूपी धन नू खर्च करी ते की लैके आई नाम दियां पंडा बन के लियाई नाम दी कमाई करके लियाई। आपां शब्द पढ़ रहे सन वेखो बंदा चलिया चो जाणिया दे कन्न फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दर गए आए कम। अमल दा मतलब चंगे कर्म जिहड़े चंगे कर्म तू करेगा ना दान पुन करेगा ये तेरे दरगाह दे विच सहाई होवेगा ये तेरे काम आउणगे। उत्थे किसे भैण भरा ने जां रिश्तेदार ने ते नहीं ना छड़ाना
ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ, ਜਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ, ਮਾਤ ਮਾਤਾ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁੱਤ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਵਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੱਪਾਂ ਨਾ ਜੱਪਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
फिर आए उस सेठ की दुकान पर। उस सेठ की दुकान पर आए तो आके फिर कह लगे, सेठ जी सारा दिन कम्मा कारां विच लगे रहते हो, परमेश्वर की बंदगी भी कर लिया करो, नाम जपया करो, अंत समय नाम ने ही तो सहायता करनी है। वो सेठ कह लग्या तुसी फिर आ गए। सेठ जी गुस्से च बोलन लगे, कह लगे तुसी जाओ, असी नाम जपीए ना जपीए साडी मर्जी। ते जिहड़े परमेश्वर की बंदगी विच जुड़े होंदे ने ना, उन्हां नूं कोई फिक्का बोल भी बोल दे वो गुस्सा नहीं जे करदे। आखो सतनाम श्री, उन्हां दा सुभा हुंदा है, क्योंकि बाणी है ही ऐसी, जीवन बदल दिंदी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, वो मिठा बोलदा है, जिहड़ा पढ़ लैंदा है, हिरदे विच वसा लैंदा है, उहदी बोल बाणी बदल जांदी है, उहदा जीवन बदल जाता है, वह मिठा बोलन लग पैंदा। अगों कोई कौड़ा भी बोले वह फिर मिठा बोलता। यह है बाणी की ताकत, बाणी जीवन बदल देती है। सेठ ने फिर कहना किया, अपना नाम तुसी जाओ। तीसरी बारी फिर भगत कबीर जी उस दुकान दे, उस सेठ की दुकान दे अगों लंघे जा रहे, फिर कहन लगे, सेठ जी राम दा नाम भी जप लिया करो, सारा दिन काम विच लगे रहिंदे हो। सेठ ने अपने नौकर नूं कहना कीता, कहिंदे नूं धक्के मार के दुकान तो बाहर कढ़ो। वो नौकर ने धक्के मार के भगत कबीर जी नूं दुकान तो बाहर कढ़ दिता। भगत कबीर जी चले गए। कुछ समा बीतिया, कुछ समा लंघिया, भगत कबीर जी फिर उस दुकान दे कोलों लंघे जा रहे हैं, तो पुछण लगे, कहन लगे, इत्थे जिहड़ा सेठ हुंदा सी वो दिखाई नहीं दे रहा। कहन वाले ने कह दिता, कहिंदे उह ते एक्सपायर हो गया है, अकाल चलाना कर गए हैं सेठ जी। भगत कबीर जी तुरे जा रहे ने नाल उहनां दे सेवक। जिमें रोड है ना, रोड सड़क के उत्ते चढ़ाई होंदी है, भगत कबीर जी की देखते ने, एक रेहड़े बल्द दे नाल, एक रेहड़े दे नाल एक बल्द जोया है, तो रेहड़े दे उत्ते लकड़ां लदियां ने भार लदिया है, वो बल्द है जो चढ़ाई चढ़ नहीं सकता, रेहड़े नूं खिंच नहीं सकता, उहदा वो रेहड़ा बल्द है जो डिग गया है, उहदा मालक उत्तों कुट्टी जा रहा है, कुट्टी जा रहा है, वी खिच इहनू खिच। हुण भगत कबीर जी देख रहे ने, देख रहे ने, ते देखदे देखदे कोल गए, ते बलद दे कन्न विच जाके कहन लगे, क्यों सेठ जी किहा सी ना नाम जपिया कर, आखो सतनाम श्री, किहा सी ना नाम जपिया कर। ते जो नाल भगत कबीर जी दे सेवक वो पुछण लगे, कहन लगे, महाराज ये बल्द दे कन्न विच आप जी की गल करके आए हो, ये की कौतक है, सानू भी समझाओ। भगत कबीर जी कहन लगे ये ओही सेठ है जिन्हों कहिंदे सी नाम जपिया कर, आखो सतनाम श्री, ये ओही सेठ है जिन्हों कहिंदे सी सिमरन करिया कर, इन्हें नाम नहीं जपिया, इन्हें सिमरन नहीं किया, ते अज देखो इहदी हालत की हो गई है, चार पाव दोए सिंह गुंग, मुख तब कैसे गुन गई है। कहते देखो ये सेठ नू कहते सी नाम जपिया कर, ते अज इहदी हालत कैसी हो गई है, चार इहदे पैर हो गए ने, चार पैर, दोए सिंघ दो मत्थे ते सिंघ लग गए इहदे, गुंग मुख मूँह भी गूंगा हो गया, बोल के दस भी नहीं सकदा भी की दुख है।
तब कैसे गुण गई है, कहते हुण किवें गावेंगा गुण आखो सतनाम श्री जदों किया सी नाम जपया कर उदों जपया नहीं। हुण हालत हो गई है चार पाव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, कहते हुण इहदे चार पैर हो गए मत्थे ते दो सिंग लग गए मूँह भी इहदा गूंगा हो गया बोल के दस नहीं सकता वाहिगुरु बोल नहीं सकता हुण किवें सिमरन करेगा हुण किवें छुटकारा होवेगा। ते हालत की होगी उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूड लुकई है। आप देखते हैं ना पशु उठते बहते डंडे पेंदे रहते ने ठोडे मारते हैं तो कहते यदि हालत एक हो गई उठते बहते डंडे सोटे वजते ही रहते ने नाम नहीं जपया खो सतनाम श्री हर बिन बैल बिराने हुई है, कहते नाम तो बिना इनू बैल की जूनी विच बरद की जूनी विच पैना पिया है सिमरन नहीं किया। फाटे नाकन टूटे कादन कोदो को पस खई है, कहते हुणे दे नक दे विच नकेल पा दित्ती गई चीर के देखते ना बल्द नू नथ पाई होंदी है। फाटे नाकन टूटे कादन मोढ़े ते पंजाली पाई होंदी है हर टाइम उन्हू भार ढोण नू खिंचण लई कोदो को भुस खई है ते खाण नू घा फूस मिलदा है कित्थे शक्ति पदार्थ खा के भी उहदा नाम नहीं सी जपदा ते अज हालत कैसी हो गई है नाम नहीं जपया ते खाण भी घा फूस खाना पैंदा है ते बल दी जूनी विच पिया है। सारो दिन डोलत बन महिया अज होना पेट अगही है, कहिंदे दा मालक सारा दिन इहदे तों भार ढोंदा है भार ढोंदा है कदे इधर लद के रेड़ा लै जांदा कदे इधर लै जांदा है ते सारा दिन भार ढवा के भी इहनू रज के खाण नू नहीं दिंदा खो सतनाम श्री हुण पता लगदा है नाम नहीं जपिया। अगली पंक्ति विच कह रहे ने कहिंदे जन भगतन को कहो ना मानो कि ओ अपनो पई है, जिहड़ा जुड़े हुए ने ना जिहड़े जिहड़े परमात्मा की बंदगी करते ने वो होरनां नूं कहिंदे नाम जपिया कर ते जिहड़ा उहनां दा कहे नहीं ना मनदा उहनां दी आखे नहीं लगदा कहिंदे अपनी मर्जी करदा है कहिंदे हुण फिर उहनूं पछताउणा पैंदा है कीनो अपनो की ओह अपनो पई है, कहिंदे हुण अपना कीता आप ही भोगदा है जे नाम जपिया हुंदा ते इह अवस्था नहीं सी होणी। दुख सुख करत महा भ्रम बूढ़ो अनक जौन भरमई है, कहिंदे हुण तेरी जिंदगी सारी दुखां विच तूं इहतों छुटकारा नहीं हो सकदा। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरयो, कहिंदे तेरा हीरे नालों भी अमोलक जन्म तू गवा दिता है कोटियां दे भा तू इनू गवा दिता है प्रभ बिसरयो जिसने तेनू ये जन्म दिता सी तू उन्हू भुल गया ये अवसर कत पई है, कहिंदे मुड़ के हुण तेनू ये अमोलक जन्म नहीं मिलना आखो सतनाम श्री। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों गत बिन रहन बहई है, वो आप देखते हैं ना कलाड़ी जिमें जोड़ी होंदी है तेल जिन्ना कटदे सरों का तेल जिमें बल्द घूमता रहिंदा है आले दुआले बस उन्नी क जगह विच उन्हें घूमी जाना है बस घूमी जाना है, कहिंदे तेरी हालत यही है बस। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों गत बिन रहन बहई है, हुण तेरी दिन रहन बस सेरी बस ये ही लंघ जानी है हुण तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। क
कहत कबीर राम नाम बिन मूड तुने पछताई है। कहते राम नाम नहीं जपया हूँ तू धरती ते सिर मार मार रोंदा है, आखो सतनाम श्री। ये है नाम जपण की ना सिमरन करन की सजा, क्योंकि जिस परमात्मा ने यह अमोलक जन्म दिता है ना, जिस परमात्मा ने यह जिंदगी दिती है उदा सिमरन करना जरूरी है। सतगुरु जी कहते जो ना सुने जस परमानंदा, कहते जिहड़ा इस रसना दे नाल उहदी बाणी नहीं पढ़ता, कन्ना नाल उहदी बाणी नहीं सुनता। जो ना सुने जस परमानंदा सो जन त्रिगत जौन ते मंदा। कहिंदे पशुआं नालों पंछियां नालों प्रेतां नालों भी माड़ा है वह जीव जिहड़ा परमात्मा नूं भुल जांदा है, आखो सतनाम श्री। सो गुरु कृपा करन सानूं सभनां नूं अपने नाम दी